जिस तरीके से बीपीएससी आयोग ने साफ सुथरे तरीके से टीआरई टू की परीक्षा कंडक्ट कराई है और जितनी जल्दी रिजल्ट इन्होंने दिया है काबिले तारीफ है। किसी भी राज्य की आयोग के द्वारा इतनी तेज और इतनी सुचारू तरीके से इतने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कंडक्ट करा करके इतनी जल्दी रिजल्ट दे पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है, लेकिन बीपीएससी ने ये काम करके दिखाया है जिसके लिए निश्चित तौर पर इनकी तारीफ होनी चाहिए। आज भी लगभग 4 से 5 विषयों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और लगातार रिजल्ट की घोषणा की जा रही है, तो दिल थाम के बैठिएगा, हो सकता है देर रात तक आपके भी सब्जेक्ट के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट आ रहा था कमेंट के माध्यम से कि वहाँ पर 3 प्रकार के कट ऑफ की बात की गई, एक तो डेट ऑफ बर्थ वाला, एक पार्ट 2 वाला, पार्ट 1 वाला, पार्ट 3 वाला, इसके अलावा मेन कट ऑफ, तो ये सब क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये डाउट है कि कहीं ये सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं बनाया गया है जिसके बारे में नोटिफिकेशन में बातें मेंशन नहीं की गई थी। अंत तक जोर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी के हिंदी विषय का रिजल्ट घोषित किया गया है आज, जिसके लिए कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ है। टीजीटी है यानी 9th 10th हिंदी विषय के लिए, ठीक है। कट ऑफ देख सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का 88 नंबर गया हुआ है और अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट का गया हुआ है 87 नंबर, ठीक है। दोनों में मात्र 1 नंबर का डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं हिंदी विषय के लिए है, जबकि अन्य विषयों में आप प्राइमरी की बात कर लेते हैं, अपर प्राइमरी, तो 10-10 नंबर का गैप रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर का गैप है। और पार्ट 3 अनरिजर्व के लिए 65 नंबर और पार्ट 3 अनरिजर्व फीमेल के लिए 67 नंबर गया हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद से अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 की भर्ती के लिए अंग्रेजी विषय के रिजल्ट की भी घोषणा कर दी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये टोटल 148 पेज का है पीडीएफ, और इसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 82 नंबर गया हुआ है, ठीक है। और अनरिजर्व फीमेल के लिए 76 नंबर गया हुआ है, अनरिजर्व के लिए 59 नंबर पार्ट 3 का कट ऑफ है, और डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ है 13/2/2002, और अनरिजर्व फीमेल के लिए 54 नंबर पार्ट 3 का कट ऑफ है और 27/7/1998 है डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ। अपर प्राइमरी में आज ही के दिन हिंदी विषय का भी रिजल्ट आयोग ने जारी कर दिया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया हुआ है, और जिस प्रकार से टीजीटी हिंदी विषय का गया था उसी के क्रम में यहाँ पर इसका कट ऑफ देख पा रहे होंगे, 87 नंबर गया हुआ है अनरिजर्व का, और 69 नंबर पार्ट 3 का कट ऑफ गया हुआ है, और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे 15/7/1999 है। अनरिजर्व फीमेल की जब बात की जाती है तो इनके लिए कट ऑफ गया हुआ है 83 नंबर, पार्ट 3 का कट ऑफ गया है 63 नंबर, और डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ गया हुआ है 10/7/1992। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें अपर प्राइमरी उर्दू विषय के लिए, तो इसका भी कट ऑफ और रिजल्ट जारी कर दिया गया। कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप इसी के लिए समझ सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप 91 नंबर कट ऑफ गया हुआ है अनरिजर्व के लिए, 70 नंबर पार्ट 3 का, और डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ गया हुआ है 27/12/1998। इसी प्रकार से अनरिजर्व फीमेल के लिए कट ऑफ गया हुआ है 84 नंबर और पार्ट 3 के लिए 69 नंबर, और डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे 8/2/1995। स्क्रीन पर अभी आप मैथ एंड साइंस का जो कट ऑफ जारी किया गया था वो देख पा रहे होंगे। इसमें अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि जो 4 प्रकार के कट ऑफ का जिक्र क्यों किया गया, एक तो मेन कट ऑफ हो गया, दूसरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जिक्र किया गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये एक्चुअली ना तो सेक्शनल कट ऑफ है और ना ही किसी भी प्रकार का कट ऑफ है, ये एक तरीके से टाई ब्रेकर है। टाई ब्रेकर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 120 नंबर पर आपकी मेरिट बनी है, जो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का पार्ट था उसके मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल प्राइमरी में उसके मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बीपीएससी ने जो पहले नोटिस जारी की थी उसमें उन्होंने यही बताया था कि अगर मेन पेपर में 120 नंबर में अभ्यर्थी के नंबर समान हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कट ऑफ देखिए 80 नंबर गया हुआ है मैथ एंड साइंस के लिए, ठीक है, तो 80 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हजारों की संख्या में होगी। मान लीजिए 81 नंबर तक सबका सिलेक्शन हो गया और सिर्फ 2 सीट बची हुई है, 2 सीट बची हुई है, तो 80 नंबर पर जब आप जाएंगे तो केवल 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है, जबकि बच्चों की संख्या हजारों में है 80 नंबर पाने वाले की, तो हम 80 नंबर पाने वाले सभी का सिलेक्शन थोड़ी करेंगे, उसमें से केवल 2 ही को तो सेलेक्ट करेंगे, और सबके 80 नंबर हैं हजारों बच्चों के, तो अब कौन से 2 बच्चों को लिया जाए। इसके लिए टाई ब्रेकर का यूज किया जाता है कि जब नंबर समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में आयोग ने अलग अलग विषय के लिए अलग अलग नियम बना रखा है, जैसे कि
आप देखेंगे टीआरई वन में सीधे तौर पर डेट ऑफ बर्थ को प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन इस बार डेट ऑफ बर्थ को प्रायोरिटी सबसे अंत में दिया गया। इस बार सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है पार्ट थ्री को, यानी कि अगर 120 में नंबर अभ्यर्थी के बराबर हो जाते हैं, यानी कि हजारों की संख्या में 80 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी हैं, तो उसके बाद पार्ट थ्री को देखा जाएगा कि पार्ट थ्री में किसके ज़्यादा हैं। अब मान लीजिए पार्ट थ्री में भी ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, सैकड़ों की संख्या में, जिनका 120 में 80 नंबर बन रहा था और पार्ट थ्री में भी 56 नंबर बन रहा है, उसके बाद जाकर के अब पार्ट टू को देखा जाएगा कि पार्ट टू में किसके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। अब मान लीजिए कि पार्ट 120 में से 80 भी पाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें पार्ट थ्री में भी सबका सेम हो गया, पार्ट टू में भी सबका सेम हो गया, उसके बाद जाकर के पार्ट वन में देखा जाएगा। अब मान लीजिए पार्ट वन में भी सेम हो गया, तब जाकर के डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ को सबसे अंतिम में। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ टाई ब्रेकर है, अगर समान नंबर होने के कंडीशन में ये सभी चीज़ें हैं, और ये सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ एक तरीके से टाई ब्रेकर है, ठीक है, क्योंकि 80 नंबर पाने वाले बहुत सारे अभ्यर्थी। अब आयोग ने इस बार इतनी साफ सुथरे तरीके से रिजल्ट जारी किया जिससे कोई भी सवाल उठा नहीं सकता। जैसे बीपीएससी टीआरई वन में आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया में जब रिजल्ट जारी हुआ तो बहुत भ्रामक खबरें चल रही थी कि मेरा कट ऑफ के बराबर नंबर है फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सभी इसी वजह से चल रही थी क्योंकि टाई ब्रेकर का उन्होंने उस समय बाद में डेटा एक तरीके से पब्लिक किया। अगर वो पहले पब्लिक कर देते जिस प्रकार से अभी इन्होंने किया है तो वो सभी विवाद नहीं मचते। देखिए यहाँ पर आयोग ने पिछली बार भी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन वो टाई ब्रेकर वाला बाद में उन्होंने बताया था, जिसकी वजह से सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और मीडिया में गलत एक तरीके से खबरें चली कि आयोग की गलती है, लेकिन वो आयोग की गलती नहीं थी बल्कि बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उन्होंने काम किया था। और इस बार तो उन्होंने बिल्कुल ही पारदर्शिता रखी है और सारे डेटा को एक साथ अभ्यर्थियों के सामने रख दिया, जिसकी वजह से आयोग की निष्पक्षता में निश्चित तौर पर सभी को एक बार तारीफ और काबिले तारीफ इन्होंने काम जरूर किया हुआ है। इतने जल्दी रिजल्ट देना, इतने साफ सुथरे तरीके से और इतने अच्छे तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराना, लाखों की संख्या में जहां बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और इतनी जल्दी लगातार दो बड़ी भर्ती कराना, निश्चित तौर पर आयोग के लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और निश्चित तौर पर सभी राज्यों के आयोगों को इससे सीखना चाहिए, क्योंकि बिहार से सटे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर किसी भी राज्य की जब आप बात करते हैं तो रिजल्ट जारी होने में 2 से 3 महीने से लेकर के कई कई बार तो 6-6 महीने लग जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने विद इन 1 मंथ इन्होंने इतनी लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों का परीक्षा करा करके, और वो भी तब जब परीक्षा ऑनलाइन नहीं है, ओएमआर बेस्ड पेपर के सभी ओएमआर को स्कैन करना, रिजल्ट जारी करना, सभी चीज़ों को इतनी साफ सुथरे तरीके से करना, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और इसके लिए बधाई की पात्र है बीपीएससी। सभी सफल हुए अभ्यर्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं आपके लिए ये अंतिम मौका नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत जल्द विद इन 6 मंथ आपको फिर से एक बार मौका मिलने जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3 में। 50,000 पदों के आसपास की घोषणा हो सकती है, जैसा कि अपर मुख्य सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के बिहार में श्री के पाठक जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। जब वो मीटिंग में जाते हैं तो ये उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग लगातार जो साल भर से स्टेटमेंट और ये सभी चीज़ें दे रहे हैं, उन्होंने इसको करके दिखाया है, तो आपके पास एक स्ट्रांग पॉइंट है कि आप उनकी बातों पर विश्वास करें और उसी के अनुरूप अभी से तैयारी शुरू कर दें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। और मे बी कि अगले बार अपियरिंग वाले कैंडिडेट को भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया, तो अपियरिंग वाले कैंडिडेट भी लग जाइए अभी से ही। सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।